हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनका हम यूज़ भी नहीं करते और इन्हें फेंकना भी नहीं चाहते, तो आज हम ऐसे ही कपड़ों से 5 DIY बनाएंगे जो हमारे घर के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो मैंने एक टी शर्ट ली है, इसमें से मैं करीब 1.5-2 इंच चौड़ी स्ट्रिप निकालूँगी। जितनी भी स्ट्रिप इसमें निकलेंगी मैं उसको इसी तरह से कट कर लूँगी। आप टी शर्ट, ट्राउज़र कुछ भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमें स्ट्रिप को कट कर लेना है। अब इसको लंबाई में मैं इस तरह से खोल लूँगी, कहीं से भी कट करेंगे तो। अब सारी स्ट्रिप को एक साथ रख कर हमें बांध लेना, अच्छी तरह से बांध लेंगे। अब इसे बीच से हाफ कर लेंगे, आधी स्ट्रिप एक साइड रखेंगे, आधी स्ट्रिप दूसरे साइड, और इस तरह भी एक स्ट्रिप को रखते हुए हमें ज़ोर से इसमें गांठ लगा लेनी है कि अच्छी तरह से ये बंध जाए और खुले ना। अब मैंने एक प्लास्टिक की बोतल का ऊपर का पार्ट कट कर लिया है और इसमें मैंने चाकू से इसमें गर्म करके 4 छेद बना लिए हैं, 4 होल हमें कर लेने हैं। और इसी में से स्ट्रिप को अंदर से बाहर की तरफ हम निकालेंगे, अंदर से बाहर की तरह निकालेंगे और अच्छी तरह से इसमें गांठ लगा लेंगे। इसको अंदर करते हुए इसमें नॉट लगा लेंगे। तो ये हमारी सफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल बन जाएगा। सभी को गांठ लगाकर अच्छी तरह से चारों को मैंने बांध लिया और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा ये मॉप बन कर तैयार हो गया है। वाइपर की पुरानी डंडी को इसमें मैं लगा रही हूँ। अब इसका हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। इसको हम छत से जाले साफ़ करने के लिए या फिर दीवारों को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसमें सफाई हो जाती है। इसको हम फ़ैन को साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी डस्ट हो जाती है इसे आसानी से निकल जाएगी। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना लंबा आप इसमें इस तरह का पाइप लगा सकते हैं और इसे गीला करके आप दरवाजे घर पे भी पोछा लगा सकते हैं, दरवाज़ों को भी साफ़ कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज है, काफ़ी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बनाने के लिए मैंने एक पिलो कवर लिया है और इसमें हम एक हैंगर इस तरह से लगा लेंगे। तो ये बस हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे लॉन्ड्री बास्केट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी कपड़े आपको धोने हो आप इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। बाथरूम के दरवाजे के पीछे भी आप इसे हैंग कर सकते हैं या बच्चों की इधर उधर जो खिलौने पड़े रहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है। इसके लिए मैंने एक इस तरह का कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है। एक टी शर्ट को पहले हम उल्टा कर लेंगे, उल्टा करने के बाद इसके अंदर रखना है और इस तरह से इसमें सेट कर लेंगे। यहाँ टी शर्ट को मैंने कट या सिलाई नहीं किया, बस इसी तरह से रहने दिया कि आप चाहे तो बाद में इसका कुछ अलग भी यूज कर सकते हैं और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो ये इस देखिए हमारा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। इसमें आप कपड़े रख सकते, बच्चों का कुछ सामान भी आप इस बास्केट में रख सकते हैं। अब हम सिलाई मशीन का कवर बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पिलो कवर लिया है। 8 इंच की दूरी तक इसे हमें फोल्ड करना है। अब इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगाएंगे, बीच में 2 बार सिलाई लगाकर इसकी हम पॉकेट बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने ऊपर में एक लेस भी लगा ली है और इसको दोनों किनारों से सिलाई करने के बाद बीच से भी सिल दिया है, जिससे 3 पॉकेट बन गए हैं। अब बीच से इसे फोल्ड करेंगे। देखिए एक बार हमने 8 इंच फोल्ड करके इसका पॉकेट बनाया था। अब इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब दोनों किनारों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। बस सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा सिलाई मशीन का कवर तैयार है। इसे मशीन में लगाएंगे और जो पॉकेट है उसमें आप जो भी सिलाई का सामान है उसे रख सकते हैं, धागे रख सकते हैं, सुई और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इंची टेप वगैरह आप इस पॉकेट में रख सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए हमारा सुंदर सा
ये सिलाई मशीन का कवर झटपट तैयार हो गया है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगी है, पुराने पिलो कवर से ये बन गया है। तो देखिए हमारा सिलाई मशीन का कवर बन गया है। अगला DIY भी मैंने एक पिलो कवर से बनाया है। पिलो कवर के अंदर आटे का पैकेट मैंने उसी के साइज़ का कट कर लिया है और इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर हमें 3-4 बार लंबाई में सिलाई चला लेनी है। अच्छी तरह से इसे सेट करेंगे, अब इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो जब भी हम रोटी बनाएंगे तो इसको पहले भी छा लीजिए, तो आटा आपको स्लैब पर नहीं फैलेगा। और बर्तन धोने के बाद भी आप चाहे तो इसके ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि नीचे प्लास्टिक है, स्लैब भी गीला नहीं होगा और बर्तन से जो पानी निकलेगा उसे कपड़ा सोख लेगा। तो इसमें से कौन सा DIY आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।